अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हमारा आपकी कक्षा छठी कक्षा का कौन सा लेसन, कौन सा पार्ट चल रहा है? फोर्थ पार्ट, चौथा पार्ट चल रहा है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वर और उनकी मात्राओं से बने हुए शब्द पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने आ, ई, ई तीन स्वर से, स्वर की मात्रा से बने शब्द पढ़ चुके हैं। कौन से? आ, ई, ई, ये तीनों स्वर की मात्रा से बने हुए शब्द पढ़ चुके हैं। अब क्या है हमारा? ई के बाद कौन सा स्वर अक्षर आता है? उ, उ, उ की मात्रा। तो चलिए अब हम उ की मात्रा से कौन से शब्द बने हैं देखेंगे। नीचे ये क्या है, कौन सा अक्षर है? ये गा। गा के बाद कौन सी मात्रा है? ये है छोटे उ की मात्रा। तो अब हम गा और छोटे उ की मात्रा से कौन सा शब्द बना है देखते हैं। गा छोटा उ, ला आ की मात्रा, बा, क्या बना हमारा शब्द उ की मात्रा से? गुलाब। नेक्स्ट, ये कौन सा अक्षर है बच्चों, बोलिए? ये है हमारा पा। कौन सा है? पा। पा उ की मात्रा, छोटे की मात्रा, ला सा, क्या हुआ ये? पुलिस। नेक्स्ट अक्षर, कौन सा अक्षर है बच्चों? ये है हमारा गा। गा के बाद उ की मात्रा, गा और उ से कौन सा वर्ड बन रहा है यहाँ पर? गा, उ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, रा, ये कौन सा व्यंजन है? व्यंजन है, स्वर है, ये है व्यंजन अक्षर। कौन सा व्यंजन अक्षर? या के बाद कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। क्या हो गया हमारा शब्द? गुड़िया। गा और उ की मात्रा से क्या बनाए हम यहाँ पर? गुड़िया। नेक्स्ट, ये कौन सा व्यंजन है? व्यंजन है, स्वर है बच्चों? ये है व्यंजन का। कास, का और उ की मात्रा से कौन सा वर्ड बन रहा है यहाँ पर देखेंगे? का, उ की मात्रा, रा, ता, आ की मात्रा, कुरुता। क्या हो गया? का और उ की मात्रा से क्या शब्द बना? कुरुता। तो नेक्स्ट, यहाँ पर उ की मात्रा से बने शब्द कौन से हैं देखिए। क्या है ये? व्यंजन माँ। माँ के नीचे उ की मात्रा, कौन से उ की मात्रा? छोटे उ की मात्रा। फिर ये कौन सी मात्रा है? ये हमने कहा था ना पहले, व्यंजन से पहले अगर ई की मात्रा आ रही है तो वो कौन सी ई की मात्रा होगी? छोटे ई की मात्रा। अगर व्यंजन के बाद आ रही है तो वो कौन से उ की ई की मात्रा? बड़े ई की मात्रा। यहाँ पर क्या है? व्यंजन से पहले आ रही है ई की मात्रा, तो क्या हुआ? ये छोटे ई की मात्रा हो गई। माँ, उ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, ना, मुनि। फिर ये क्या है? पा, उ की मात्रा, ये कौन सा व्यंजन है? या के बाद कौन सा आता है? या के बाद कौन सा व्यंजन आता है बोलिए? या के बाद आता है व्यंजन ला। ये तो ये कौन सा व्यंजन है बच्चों? ला। पा, उ की मात्रा, ला, ये हो गया। नेक्स्ट, सा, उ की मात्रा, धा, कौन सी मात्रा है ये? आ की मात्रा। सा उ सु, धा आ, धा सुधा। नेक्स्ट, सा, कौन से उ की मात्रा बोलते जाइए आप? उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा। नेक्स्ट, कौन सा व्यंजन है ये? ना। सा उ ना, सुन। चा, उ की मात्रा, ना, क्या हो गया? चुन। नेक्स्ट लाइन, खा, कौन से उ की मात्रा चल रही है हमारी? उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, खा, छोटे उ की मात्रा, ला। देखिए आप अच्छे से ध्यान में रखिए, छोटे उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा किस तरह होती है। हाँ, खा, छोटे उ की मात्रा, ला, खुल। खा, छोटे उ की मात्रा, शा, यहाँ देखिए कौन सी की मात्रा है? व्यंजन के बाद है, व्यंजन के बाद आने वाली मात्रा बड़े ई की मात्रा, खुशी, थोड़ा सा खींचना यहाँ पर। खा, छोटे उ की मात्रा, शा, बड़े ई की मात्रा, खुशी। नेक्स्ट, पा, छोटे उ की मात्रा, त्रा, पुत्र। पा, छोटे उ की मात्रा, त्रा, पुत्र। चा, छोटे उ की मात्रा, पा, चुप। बा, छोटे उ की मात्रा, ना, क्या हो गया? बुन। नेक्स्ट लाइन, का, नीचे कौन सी है? छोटे उ की मात्रा, ये कौन सी ई की मात्रा है? अच्छे से याद रखिए आप, छोटे ई की मात्रा कहाँ? ये व्यंजन से पहले आई है, व्यंजन से पहले आने वाली मात्रा छोटे ई की मात्रा होती है। तो ये हो गया हमारा छोटे ई की मात्रा।
ता या आ की मात्रा कुटिया। नेक्स्ट का उ की मात्रा शा ला कुशल। का उ शा ला शल कुशल। ये तीनों क्या है, ये तीनों व्यंजन अक्षर हैं। सा उ की मात्रा ना आ की मात्रा रा, क्या हो गया बच्चों सुनार। नेक्स्ट ता उ की मात्रा ला सा, कौन सी मात्रा है यहाँ पर बोलिए आप, कौन सी ई की मात्रा है, ये व्यंजन के बाद आने वाली बड़ी ई की मात्रा होती है, तो ये हुआ बड़ी ई की मात्रा। ता उ की मात्रा ला सा बड़े की मात्रा तुलसी। ता बड़े छोटे उ की मात्रा रा, ये कौन सी मात्रा है, अच्छे से याद हो गया ना आपको, ये है आ की मात्रा। ये क्या है, कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है बोलिए, ये है बड़ाई स्वर अक्षर, बड़ाई तुराई। नेक्स्ट लाइन ता उ की मात्रा रा, ये कौन सा वर्ताक्षर है ऊपर बोलिए, ना का वर्ताक्षर है। हाँ ता उ की मात्रा रा, ना का वर्ताक्षर गा तुरंग। नेक्स्ट का उ की मात्रा मा, आ की मात्रा रा, क्या हो गया कुमार। ला उ की मात्रा हा, आ की मात्रा रा लुहार। दा उ की मात्रा का, आ की मात्रा ना, क्या हो गया आपको तो बहुत पसंद है नहीं दुकान जाना, तो ये हुआ हमारा दुकान, कौन सा हुआ शब्द ये दुकान। फिर नेक्स्ट ता उ की मात्रा शा, आ की मात्रा रा, क्या हो गया ये तुषार। ता उ शा आ की मात्रा रा तुषार। चलिए अब देखेंगे वंस अगेन बच्चों, आप अच्छे से देखिए आप अपने रीडर में, ये हो गया मा उ मु ना छोटे की मात्रा, क्या हो गया मुनि। पा उ पु ला, क्या हो गया पुल। सा उ सु धा आ की मात्रा, क्या हो गया सुधा। सा उ सु ना, क्या हो गया बोलते जाइए आप पढ़ सुन। चा उ चु ना चुन, सुन चुन। फिर नेक्स्ट लाइन खा उ की मात्रा ला खुल। खा उ की मात्रा शा, कौन सी की मात्रा है यहाँ पर बड़े की मात्रा खुशी। पा उ की मात्रा त्रा पुत्र, पुत्र किसको कहते हैं, किसको बोलते हैं पुत्र, बेटे को, पुत्र बेटा हिंदी में पुत्र। पा उ की मात्रा, ये कौन सा है, ये कौन सा व्यंजन है, संयुक्त अक्षर वाला व्यंजन है। चार हमारे संयुक्त अक्षर है ना, क्षा त्र ग्ना श्रा, ये चारों अक्षर क्या है लास्ट के हमारे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं ये, तो उसी में का एक संयुक्त अक्षर में का एक अक्षर कौन सा है, ये त्र है। पा उ की मात्रा त्र पुत्र। चा उ की मात्रा पा चुप। बा उ की मात्रा ना, क्या हो गया बच्चों बुन, बोलते जाइए आप शब्द रिपीट कीजिए आप। का उ की मात्रा, कौन सी की मात्रा है यहाँ पर छोटे की मात्रा। टा छोटे की मात्रा या आ की मात्रा, क्या हो गया बच्चों ये हमारा शब्द कुटिया। नेक्स्ट का उ की मात्रा शा ला, क्या हो गया हमारा शब्द कुशल। सा उ की मात्रा ना आ की मात्रा रा सुनार। ता उ की मात्रा ला सा बड़े की मात्रा तुलसी। ता उ की मात्रा रा ई, कौन सा ई है यहाँ पर बड़ाई, क्या हुआ ये तुराई। नेक्स्ट लाइन ता उ की मात्रा रा, ना का वर्ताक्षर गा तुरंग। का उ की मात्रा मा, आ की मात्रा रा कुमार। ला उ की मात्रा हा, आ की मात्रा रा, क्या हो गया बच्चों कौन सा हुआ शब्द ये लोहार। दा उ की मात्रा का, आ की मात्रा ना, ये बोलिए कौन सा हुआ शब्द हमारा दुकान। ता उ की मात्रा शा, आ की मात्रा रा, क्या हो गया हमारा ये तुषार। नेक्स्ट अब मैं शब्द कहती हूँ, आप वो शब्द रिपीट करते जाइए, ओके बच्चों ठीक है। तो ये हुआ हमारा मुनि, पुल, सुधा, सुन, चुन, बोलते जाइए आप भी रिपीट कीजिए मेरे साथ, खुल, खुशी, पुत्र, चुप, बुन, ये क्या है कुटिया, कुशल। रिपीट करें ना आप भी,
सुनार।